अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय किचन में हूशाफाफसा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलेश रेसिपी लेके आई हूं आज हम बनाएंगे एक अल्टीमेट समर डिज़र्ट जो कि ड्रिंक के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है आजकल इतनी गर्मी है ना कि कुछ ठंडा ठंडा मजेदार से खाने को दिल चाहता है ये जो है वो आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा तो रेसिपी को का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा ये इसको बनाने स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बर्तन में ऐड करेंगे वन टेबल स्पून छीड्स इसमें ऐड करेंगे पानी अच्छे से के बस डिप हो जाए सीड्स और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ब्लूम होने के लिए छोड़ देंगे साथ ही हम एक बर्तन में ऐड करेंगे मैंगो जेली का एक पैकेट और इसमें ऐड करेंगे दो कप पानी क्योंकि एक कप जो जेली पाउडर होता है ना उसमें दो कप पानी ऐड है, होते हैं गर्म हॉट बॉइलिंग वाटर और पानी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है बिल्कुल अच्छे से जो जेली पाउडर का मिक्सचर है ना उसे डिज़ोल्व कर लेना है तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है इसको निकालेंगे एक बर्तन में और अब हम जेली को सेट होने के लिए छोड़ देंगे अब हम पकाएंगे टेपियो का पाउडर्स यानी कि सागुदाना तो उसके लिए एक बर्तन में ऐड करेंगे हाफ कप सागुदाना इसमें ऐड करेंगे पानी अच्छे से और साथ में दो सौ रेड फूड कलर मैं ऐड करी क्योंकि मुझे रेड पर्स चाहिए आपको अगर प्लेन रखना है तो आप इसको सिंपल ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको तकरीबन हल्के आंच पे लो फ्लेम पे बीस मिनट के लिए पकाएंगे तो बीस मिनट मैंने साबुदाने को अच्छे से पकाया अब हम चूल्हा बंद कर लेंगे उसको बीस मिनट के लिए कवर करके रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको छान लेंगे ये बहुत ही स्टिकी और स्टार्ची होता है तो इसको हमें पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है इस तरह ताकि जो पर्स है वो अलग अलग हो जाएँ तो पानी से अच्छी तरह से हम इसको छन्ने में धो लेंगे ताकि इसका जो भी स्टार्च है वो निकल जाए तो इस तरीके से मैंने सागुदानों को अच्छे से धो लिया है देखिए मेरे अच्छे से पर्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं सागोदाने के टैपियो का पर्स अब हमें चाहिए आम मैंगो का सीज़न है और ये जो डिज़र्ट है ना मैंगो के साथ बहुत ही औसम बनता है तो एक आम का पहले हम अच्छी तरह से छिलका उतार लेंगे उसके बाद इसका पल्प निकालेंगे इस तरह हाँ। पल्ब को हमें चंक्स में कट कर लेना है तो सिंपल मैंगो को इस तरह से चंक्स में कट कर लें पहले स्लाइस में और फिर इसको इस तरीके से क्यूब्स में अब हम एक जग में ऐड करेंगे हाफ कप कंडेंस मिल्क और साथ ही इसमें ऐड करेंगे एक कप दूध इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस डिलिशियस से मिल्क मिक्सचर को भी एक तरफ रखेंगे अब जो मैंगो जेली थी ना वो अच्छे से सेट हो गई है रूम टेम्परेचर कभी थर्टी मिनट्स में सेट हो जाती है गर्मियों में आप इसको फ्रिज में रख के ऐड कर सकते हैं तो जली जब सेट हो जाएगी तो उसके बाद इस तरह चंक्स में कट कर लें एक नाइफ से सिंपल इस तरह हाँ। अगर आप परफेक्ट जेली बनाना चाहते हैं ना तो उसमें ज़्यादा पानी ऐड ना करें एक पैकेट जेली में दो कप पानी ऐड होता है तो उससे परफेक्ट जली बनती है तो जली को मैंने इस तरीके से चंक्स में कट कर लिया अब इसको निकालेंगे एक बोल में साथ ही इसमें ऐड करेंगे मैंगो के चंक्स साथ ही यहाँ पे कोकोनट ऐड कर लेंगे फ्रेश ऐड कर ली यहाँ फिर इस तरीके से जो कैन में आते हैं वो जो हमने टैपियो का पल्स बनाए थे ऐड वाले वो ऐड कर लेंगे और ब्लूम हुए हुए चिया सीड्स अब यहाँ पे ऐड करनी हमें आइस क्यूब्स क्योंकि इतनी गर्मी है ना हमें एकदम ठंडा बनाना है और अब जो हमने मिल्क मिक्सचर बनाया था ना वो हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने आइस ऐड की इसकी वजह से इंस्टेंटली ठंडा हो जाएगा और हम इसको फॉरन सर्व कर पाएंगे तो दर डिलिशियस अल्टीमेट समर डिजर्ट स्लैश ड्रिंक गर्मी में ही बहुत ही औसम लगेगा जिसको भी सर्व करेंगे उसे बहुत ही पसंद आएगा तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़